सप्ताह पाठ का संचालन रश्मि भारद्वाज करेंगी, लेकिन पहला पाठ क्योंकि चित्रकार हैं हमारे मित्र नवाकार जी, जो असमिया में कविताएं लिखते हैं और उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद और अंग्रेजी में तो कुछ और लोगों ने भी किया है, लेकिन हिंदी में इनकी पत्नी ने किया है अनुवाद, थोड़ा बहुत मैंने उनको आज वर्क किया इनकी मदद से, तो तीन कविताएं ये पढ़ेंगे और मैं उनका हिंदी अनुवाद, दो हिंदी अनुवाद हैं और एक अंग्रेजी का है, फिर उसके बाद मंच संचालक के पास आ जाएगा। मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे पढ़ना भी है। सभी को नमस्कार, स्पेशली विनोद जी और ध्रुवीमान आर्ट गैलरी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसामस में पोएट्री लिखता हूँ, मेरा एक बुक भी पब्लिश हुआ था आत्मगमन नाम से, प्लस मेरा पोएट्री आसामीज मैगजीन या न्यूज़पेपर वगैरह में मेरा रेगुलर पब्लिश होते रहते हैं। आज विनोद जी के बदौलत में तीन पोएट्री बात करने जा रहा हूँ। आसामीज में है, मैं आसामीज में पढ़ूंगा विनोद जी, फिर विनोद जी हिंदी में करेंगे। हयतो मय नाथाकिम नील আকাশখন থাকিব, সেউজীয়া পাতবোৰ থাকিব, ৰঙা গুলপীয়া হাপধীয়া ফুলবোৰ থাকিব, উদয়পুৰৰ চৰাইবোৰ থাকিব, চৰাইৰ কাকলি থাকিব, অস্থিৰ কেৰ্কেটুৱাকেইটা লৰি ঢাপৰি থাকিব, মোৰ চিত্ৰশালাৰ খিৰিকীখন সদায় খোলা থাকিব, খিৰিকীত পাৰ চৰাইবোৰে ভিৰ কৰিব, মাছবোৰে পোনা মেলি বাঢ়ি অনৈতত পাহৰিছিলোঁ, চনাকী পৰুৱাবোৰ থাকিব, ঢেৰ পাকৰ শৰীৰত মুক্ত হৈ মানুহৰ মাজে মাজে বিচৰণ কৰিব, হয়তো মই নাথাকিম, মোৰ সপোনবোৰ থাকিব, মোৰ ৰংবোৰ থাকিব, ৰঙা নীলা হালধীয়া সেউজীয়া কজলা গুলপীয়া, তৰাবোৰৰ তলত বহি সৰিয়হ হালধীয়া মানুহবোৰে গুণগুণাব এখন নতুন পৃথিৱীৰ গান, ঘৰৰ চোতালত আইতাৰ কলাত গৈ শিশুপত আকাশৰ মেঘবোৰৰ সাধুকথা শুনিব, হয়তো মই নাথাকিম, হয়তো তুমি নাথাকিবা, হয়তো ময়ো থাকিম, তুমিও থাকিবা, আৰু এখন ধুনীয়া পৃথিৱী। শায়দ মই না ৰহুঁ ये नीला आसमान रहेगा, पेड़ों में हरियाली रहेगी, लाल गुलाबी पीले फूल रहेंगे, उड़ती चिड़ियाएं होंगी, चिड़ियों की चहक भी रहेगी, चंचल गिलहरियां खुदकती रहेंगी, मेरे स्टूडियो की खिड़की सदा खुली रहेगी, मछलियां नदी में बढ़ती रहेंगी, ओह भूल ही गया, जुगनू भी जगमाते रहेंगे, डियर पार्क के हिरण भी मुक्त भाव से लोगों के बीच विचरण करते रहेंगे, शायद मैं ना रहूं, मेरे सपने रहेंगे, मेरे सारे रंग रहेंगे, लाल नीला पीला हरा गुलाबी, सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे मनुष्य एक नई धरती के गीत गाएंगे, आंगन में नानी की गोद में बैठ के बच्चे बादलों की कहानियां सुनेंगे, शायद मैं ना रहूं, शायद तुम ना रहो, शायद मैं भी रहूं, शायद तुम भी रहो, और एक सुनहरी धरती। ये कविता पहले लॉकडाउन के टाइम पे मैं स्टूडियो में अकेले अकेले बैठकर तो उसी टाइम लिखा था, तो मैं सोच रहा था मैं अगर नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अब मेरा नेक्स्ट पोएट्री है, काली राती एजन कबीर मृत्यु হৈছিল, काली राती एजन कबीर मृत्यु হৈছিল, मानुह ভাবিছিল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি, আচলতে সেইটো এটা মাত্ৰ ঘটনাহে আছিল,
হাজার হলেও কবিও তো মানুষ, হে আছিল টিআরপি বরুয়ার এক সামান্য অপচেষ্টা, আপনি অপচেষ্টা বলেও কব পারে। এখন সাই রুমি গাড়িতে উঠি কবি আজি ঘুরি আহিল, মৃত্যুর ঘরত তেওঁর বাবে নির্দিষ্ট কোনো ঠাই রাখি থোৱা হোৱা নাছিল কবি বিলাসী। আহি পানী ছটিয়াই নায়িকাক জিয়াই তুলিছে মন্ত্রপুত পানী, কবি যাদুকর। এখন কঠাল পাতর নাওত এটি সরুক ঘর সাজিলে, সকা মকা আন্ধারর মাজত কবিয়ে নাওরিয়ার ভাবত এটি গীত জুড়িলে। কবি গায়ক চরাইবোৰ পখিলাবোৰ উভতি আহিল, বিষণ্ন নায়িকার অভিমান ভাঙিবলে কবিয়ে নাচিব ধরলে কবি নর্তক, নায়িকা মিচিকাই হাঁহিলে। এনেতে পাতাহে এক কোমলীয়া পাঠ সরালে কবিয়ে কবিতার নায়িকার মূরর চুলিত গুজে দিলে। এই চুলির আন্ধারর আবদারতে কালি কবিয়ে মৃত্যুর বাবে ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল। কবির বীর্যরে নায়িকা গর্ভবতী গল, নায়িকার গর্ভত এতিয়া এটা কবিতা, এটা সেউজীয়া চৰাই। ধন্যবাদ। ये कविता पिछली कविता की तुलना में काफी जटिल है। इसका शीर्षक है कल रात एक कवि की मृत्यु हुई। कल रात एक कवि की मृत्यु हुई, लोग सोच रहे थे मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है, दरअसल वह सिर्फ एक कहानी थी। जो भी हो, कवि भी इंसान है, वह सब तो टीआरपी बढ़ाने की सिर्फ एक कोशिश थी, आप उसे फिजूल की कोशिश भी कह सकते हैं। एक धूम्र वर्ण की गाड़ी में बैठकर कवि आज लौट आया, मृत्यु के घर में उसके लिए विशेष कोई जगह नहीं थी। कवि विलास प्रिय जो है, आते ही पानी छिड़क कर नायिका को उसने जीवित किया। नायिका अपनी रात में जैसे खो गई थी, कुछ मंत्र पढ़े कवि ने। कवि जादूगर जो है, एक कटहल के पत्ते की नाउस में उसने एक छोटा सा घर बनाया। हल्के अंधेरे के बीच कवि ने माझी के भाव से एक गाना गाया। कवि गायक भी है, चिड़ियां और तितलियां लौट आईं। उदास नायिका का अभिमान तोड़ने के लिए कवि ने नृत्य शुरू किया। कवि नर्तक भी है, नायिका मुस्कराई। उसने इतने में हवा से एक कोमल पत्ता तोड़ा, हवा ने एक कोमल पत्ता तोड़ा, कवि ने नायिका के बालों में उसे लगा दिया। इन्हीं बालों के अंधेरे में कल कवि मृत्यु के लिए व्याकुल हो रहा था। कवि के वीर से नायिका गर्भवती हुई, नायिका के गर्भ में अब एक कविता और एक हरी चिड़िया है। अब अंग्रेजी में छोटी सी कविता है, ये सिर्फ चार लाइन का एक कविता है। बहुदिन एको खुआ नाय, भाविलु आज आंधारके खाऊं, प्रकांड खुदू से एटा काटि आनी खालू, तेतियार परा मोर गा भारी। फॉर डेज आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, thought I would eat some darkness, caught a gigantic sun and ate it up slice by slice, now I am pregnant. Thank you so much. Vinod ji, shukriya Dhumimal Art Gallery kavita ki ek aur khoobsurat sham ke liye. हमारे वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने कहा था, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, वे किसी अदृश्य खिड़की से चुपचाप देखती रहती हैं, हर आते जाते की ओर बुदबुदाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो कविता को क्या चाहिए कि उसे सुन लिया जाए, उसे गुन लिया जाए, और जिस तरह से, जिस भाव से वो लिखी गई है, उस भाव का पूरा नहीं तो थोड़ा भी समझ लिया जाए। और वही एक शाम आई है जब सब कलाकार कवि यहाँ उपस्थित हैं और
इससे सुंदर संबंध में क्या होगा कि कला को कविता का साथ मिले। कला और कविता व्यक्ति को बहुत ही भव्य रूप से समृद्ध करके जाती है, और एक कलाकार या कवि कला या कविता को कुछ नहीं देता, मुझे लगता है कि वो उसे जीने के मायने दे जाती है। तो हमारे जो दूसरी कवि हैं वो आगरा से आई, कविता के लिए उनका प्रेम ही है। बांग्ला पृष्ठभूमि की वो कवि हैं और उनकी कविताओं में बांग्ला समाज का अद्भुत वैभव मिलता है। लेकिन ये मैं उनकी कविताओं को पढ़ते हुए और कहते हुए उन पर बार बार कहती हूँ कि वहाँ सिर्फ एक बांग्ला स्त्री का समाज नहीं है, उसका संघर्ष या स्वप्न नहीं है, उससे गुजरते हुए हर स्त्री वहाँ अपने संघर्ष, अपना दर्द, अपना श्रृंगार, अपना प्रेम, अपना वियोग देख सकती है। सिर्फ पंक्तियाँ ही एक कवि का परिचय होना चाहिए, इसलिए लंबे परिचय नहीं देते हुए, क्योंकि कविताएं ही उनका परिचय होंगी, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी की। कितनी चीजें नष्ट हुई हैं मुझ में, दिमाग में चलती है एक पंचक्की, आंखें दिशाओं को उठाकर मुट्ठी में बंद कर देती है हठपूर्वक, औचक ही टूट जाती है नींद किसी कागज के फरफर से, क्या नींद भरी आंख में है मेरा आलय। ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी। शुक्रिया रश्मि, आपकी शीरी जुबान सुनने के लिए हम खाम खा फोन किया करते हैं आपको। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तो ये कि अब प्रश्न करने लगी है हर चीज, चाय छनने से पहले पूछ रही है कि अगर पियो तभी छानना मुझे, जूता पैर भी अटने से पहले पूछता है दूर तक चलो तभी पहनना मुझे, छाता बारिशों से कहता रहा भीगोगे नहीं तो जल का तिरस्कार होगा, बिस्तर पूछता है इतनी करवटें लेना कब बंद करोगी, तुम्हारे भार से त्रस्त हूँ, विकल्प सारे पंक्तिबद्ध होकर बैठकर पूछते हैं कोई क्रांति करो तो हम उठे, पराजय अब ये पूछने लगा है कि जीत कर अकेले तो ना पड़ जाओगी, तो ये कि इस बार 8 गैलरी के 5 आमंत्रण रद्द किए इसे छोड़कर, समय पर दवाइयां न ली गई तो जल्द ही कुछ आकृतियां दिखेंगी, मन इतना पत्थर हुआ कि वध स्थल तक ले जाया जाने वाला पशु अब हृदय को नहीं चीरता, ट्रेन की बर्थ पर छूटी एक किताब के लिए इस बार जाने क्यों मन व्यथित नहीं हुआ, दुर्गा विसर्जन करते समय इस बार एक अश्रु न निकला आंख से, विनोद मेहरा की भी कोई फिल्म कहां देखी पिछले 11 महीनों से, बगुले जैसा ध्यान करने पर रसोई में पकती रोहू ध्यान खींच लेती है, तो ये कि एक दोस्त कहती है कृष्ण अच्युत अनिरुद्ध और अनंत चित है, दूसरी दोस्त कहती है कृष्ण कोई था ही नहीं, एक लाल नदी जो स्त्री से बहकर बाहर निकल रही थी कुछ लोगों ने उसी में मृत्यु रोग के कीटाणु ढूंढे, तो अब ये कि ज्वर शरीर पर ही नहीं चढ़ता उन परिस्थितियों पर भी चढ़ जाता है जिसे हम बहुत प्रयत्न से ठीक करने का प्रयास करते हैं, और जब कुछ ठीक नहीं हो पाता तब समय हमारा परिचय एक निर्णायक से करवाता है जो हमारे लिए ही निर्णय लेता है, उस निर्णायक की शक्ल इतनी जानी पहचानी होती है कि ऊंट लगता है वह निर्णायक और हमारा जीवन एक जीरा, तो ये कि अविश्वसनीय रूप से एक स्वप्न टूटने पर भी मन व्यथित नहीं होता, तो क्या कहते हैं जापानी भाषा में बुकेटो, देर तक बिना मकसद आकाश में देखने वाली बीमारी, यही बीमारी होती जा रही है सबको, तो ये कि हर कदम जो हम धरती पर रखते हैं वहीं वहीं एक इच्छा शव पड़ा मिलता है, तो ये कि जो हृदय तितलियों पर मोहित होता है वही हृदय मकड़ियों को पैरों से नीचे दबा देता है, तो अब ये कि बस कविता ही कुछ नहीं पूछती, सर फटने से पहले पूछ रहा है मर सको तो ही फटूंगा मैं, बस दवाई अस्पताल तक के सफर के लिए मुझे ना फाड़ो, सर दुख रहा है एक कप चाय लाना कोई। दूसरी कविता पढ़ती हूँ, ये छोटी कविता है पत्ते से पेड़ गिरा कई बार, पत्ते से पेड़ गिरा कई बार, कई बार गिरे आंसू से बादल, दुख से निकला एक थिएटर का टिकट, फूलों से निकली कई घाटियां, एक गांठ से निकले परिचय खूब, खूब ही निकली छाले से नई खाल, कई बार झुलसा सूरज हमसे, हमसे ही सुलझी कई कविताएं, ये जो सुख मुझसे इतना बंद बंद रहते हैं
निश्चित ही मृत्यु के बाद मेरी आंखें खुली रह जाएंगी। मैंने 2.5 मिनट आपको अपने दे रखे एक्स्ट्रा अगली कविता का शीर्षक है हम सब अलविदा कहकर आगे बढ़े हुए बुद्धिजीवी हैं। जैसे अब असमय खिला कोई पुष्प, असमय पड़ी हुई वृष्टि हमें अचंभित नहीं करती, उसी प्रकार हम अलविदा कहने के बाद कतई अचंभित नहीं होते। हम अलविदाएं उलीच रहे हैं, पुनः अलविदा स्नान से पवित्र हो रहे हैं। हम अर्थहीन अलविदाओं का एक देश तैयार कर रहे हैं और अपने लिए सबसे अधिक अलविदा कहने वाला एक कठोर शासक ढूंढ रहे हैं। हम अलविदा बोलकर ऊर्जा पाने वाले ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दोस्तों को अलविदाओं का गुब्बारा बनाना सिखा रहे हैं, अंग्रेजी में यह कहकर कि लेट देम गो। स्वप्न में देखा सारे बच्चे अलविदाओं को दंडवत प्रणाम करके विंध्याचल चल दिए। युवा निद्राहीन बैठे हैं, बुजुर्ग सारे अन्य कोई जन्म नहीं चाहते। पेड़ों तक जा पहुंची है अलविदाएं, पक्षी सारे फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हैं। इतनी अलविदाएं हैं मेरे पास कि अलविदाओं से बने ईंधन का इस्तेमाल करूं तो सभी पृथ्वीवासियों को प्रतिदिन भोजन करा सकती हूं, परंतु मुझे सबसे अधिक पेट्रोल की आवश्यकता है। काश अलविदाओं का पेट्रोल पंप बनाया जा सकता, कम तनख्वाह में पेट्रोल मृत्यु रोग जैसा लगता है। रात में मेरा कमरा अलविदाओं से डूबा एक बाढ़ ग्रसित इलाका लगता है। इस इलाके में सरकारी मदद पहुंचाने वालों को अलविदा कह चुकी हूँ मैं, तो एक पहल मुझसे ही हो, नहीं कहूंगी अब किसी को अलविदा। एक कविता और पढ़ती हूँ, उसका शीर्षक है स्वप्न टूटकर कहाँ जाते हैं। जिस छोटे लिफाफे में आवेदन पत्र रखकर भेजा था बड़ी नौकरी के लिए, उस लिफाफे में पत्र के साथ एक स्वप्न भी गया था। उन लोगों की दृष्टि जो उठी थी ऊपर, उसमें से एक स्वप्न निकलकर उठ चला था आकाश की ओर। जो एक स्वप्न जो पिता के साथ ही अग्नि में जला, वह अब तक राख नहीं हुआ है। जिस वेग से भागे थे हम अपने स्वप्नों की ओर, उतने ही वेग से टूटे थे स्वप्न। वह स्वप्न जो प्रिय के कटु वचन से टूटा था, वह इतना सहम गया है कि वह हर एक आंख से दूर रहता है। एक स्वप्न आंखों से बाहर नहीं आता, वह खाता है संसार से। आलस्य और धूप से भरा एक स्वप्न 12 मास चाहता है ऋतुशील। पूछती हूँ मैं इन स्वप्नों से, कितनी आयु है तुम्हारी? एक आवाज में सब उत्तर देते हैं, तुमसे एक क्षण बड़ी। समुद्र में फेंका मैंने एक स्वप्न, पत्थरों पर अनाज छोड़ा। एक स्वप्न रेल की खिड़की से बाहर उछाला, मिट्टी में दबाया, किताब में छिपाया। बड़ों को प्रणाम करते समय मन में कहा, दस्तखतों में लिखा। सभी टूटे स्वप्न जो मृत पड़े हैं, उनका मुख लावण्य उछला है। वे मरने के बाद भी नवजात से लगते हैं। टूट जाते हैं जो स्वप्न, वे कहते हैं हमसे जन्म देकर अनाथ किया। रिश्तेदार नहीं सबसे अधिक स्वप्न होते हैं हमारे मरण पर। ध्यान से देखना मेरी अंतिम यात्रा, 5वां कांधी मेरा एक अपूर्ण स्वप्न होगा। मेरे प्रत्येक दिवस के मेरे अपने 25वें घंटे से बना एक अपूर्ण टूटा हुआ स्वप्न। स्वप्न कहीं नहीं जाते टूटकर, स्वप्न टूटकर कवियों के कांधे बन जाते। एक अंतिम कविता पढ़ती हूँ, आपकी गर्दन कैसी है। एक लिखने वाली स्त्री सबसे खूबसूरत तभी लगती है जब घंटों लिखने के बाद दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लगाकर, गर्दन सीधा करते हुए चेहरे को आकाश की ओर ले जाती है और कहती है, ओ माँ। बस इसी क्षण में पुकारती अवश्य माँ को होगी, पर जरूरत होती होगी प्रेमी की जो गर्दन पर सेक दे सके, थाम सके, सहला सके और उसकी ओ माँ में अपनी अंदर की स्त्री मिला सके। जैसे मछुआरों का दल देखकर असंख्य मछलियां मर जाती हैं मन में, मन करा होता, वैसे ही गर्दन का दर्द कंधों में करहा भर देते, देह नहीं सदती। खिड़की से मंदिर की सीढ़ियों पर माला पोती एक छोटी लड़की को देखकर आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं ईश्वर से। ईश्वर ने बनाई थी रोगों की सूची, मुखाग्नि की तरह ज्वलंत है पीड़ा, गुड़हल की तरह लुढ़की है गर्दन। एक पीड़ाहारी मलंग पलंग के बगल वाली दराज में पड़ा रहता है। दराज के ऊपर रोबी ठाकुर की तस्वीर और तांबे के बोतल में पानी।
रोज सुबह छी नीम गुलर का पानी ले आती है, मुंह कड़वा करके सुबह उठो, एक्यूप्रेशर वाली चप्पल पहनकर कूच करो, गर्दन छुपाकर घंटों लिखते रहो, फिर भी लोग मिलने पर कैसी हो आप पूछते हैं, कोई नहीं पूछता आपकी गर्दन कैसी है, जो लुढ़की रहती है नीचे लिखने में, लुढ़की हुई चीजों के कष्ट बड़े होते हैं, लिखने में दिल और दिमाग के बराबर गर्दन की भी मेहनत है। अरे मनुष्यों, कवियों से पूछा करो आपकी गर्दन कैसी है, इस गर्दन पर रखे चेहरे पर भावों का कितना भार है, गर्दन से नीचे खिसकती पीठ अब टेक के लिए याचना करती है, चेहरे और गर्दन के बीच फंसी गर्दन कहती है हमसे, मुझे सदियों के लिए दृश्य दिखाओ जिस पर झुका जा सके, वह कंधा समीप लाओ, मैं उसी वक्त मुस्कुराती हूँ जब मेरी गर्दन पीड़ा मुक्त होती है, लिखते वक्त अपने स्वप्न दोहराती हूँ, दोहराती हूँ दुख कौर दोहराती हूँ, नहीं दोहराती अस्वीकृतियाँ मैं अपनी सनक दोहराती हूँ, मेरी इस दोहराने में मेरी गर्दन की एकाग्रता है, मेरी गर्दन के पास कोई खुला हुआ मुंह नहीं, कीके नहीं, नहीं है कोई वे, मेरी गर्दन एक धूल के समान है जो मेरी देह के साथ ही उड़ रही है, इस धूल की गंध में मैं मिट्टी की तरह गंधाती हूँ, इस पर पानी के छींटे मारती स्मृतियां मुझे जलाए रखती है, तो अब की बार मिलना मुझसे तो अवश्य ही पूछना दोस्तों आपकी गर्दन कैसी है, शुक्रिया। पूछेंगे नहीं कवि, दोस्त होने के नाते गर्दन पे आयोडेक्स भी लगा देंगे। जो अगली कवि है वो ये कवि ही कर सकता है कि एक साथ उनकी कविताओं में आपको रहस्य भी मिले, आध्यात्म भी मिले, प्रेम भी मिले, वैराग्य भी मिले, प्रेम के जटिल आवेग और सब कुछ छोड़ देकर कहीं साधनारत कामनाहीन बुद्ध का पत्ता हो जाना। पूनम अरोड़ा की कविताएं धीरे धीरे किसी अच्छे संगीत की तरह आपके हृदय में उतरेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहती है पूनम, सुख मन था जल के प्रवाह का, निस्वार्थ निकल गया हाथों से, दुख नीर था अर्जित सुख का, ठहरा रहा वेदना में। पूनम अरोड़ा। थैंक यू रश्मि, लेकिन जिस तरह से परिचय दिया गया है मैं उस विधा की कविताएं नहीं पढ़ना चाहती आज। आज हम प्लॉट प्लेस में हैं, बारिश का मौसम है, आप कहेंगी तो मैं वैसे ही वो कविताएं भी पढ़ लूंगी, लेकिन मैंने आज कविताओं की प्रवृत्ति अपनी मर्जी की कविताएं। प्लॉट प्लेस हमेशा से मुझे एक अलग तरह से अट्रैक्ट करता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी युवा लोगों को हम जब देखते हैं तो उनके सपने उनकी आंखों में बहते हमें दिखाई देते हैं, उनका जीवन उनकी उनके द्वंद्व बहुत सारी चीज़ें हमें सामने सामने दिखाई देती है। तो कुछ एक बार ऐसे हुआ कि मैं चलती गई और मैं उन लोगों को देखती गई और उस देखने में कुछ कविताएं बन गई, वो मैं आपके सामने आज पढ़ रही हूँ। कनॉट प्लेस, दृश्य एक, संडे पार्किंग। कनॉट प्लेस में पार्किंग नहीं मिलती संडे को, आजकल हवा भी नहीं लहराती बातों के बीच, शनिवार रात के जागे युवकों की आंखों से बहती है स्कॉच की गंध, संडे को कनॉट प्लेस एक घना पेड़ दिखाई देता है जिसकी शाखाओं पर कुकरमुद्दे की भीड़ सी लगते हैं दिल्ली के नौजवान, मुझे सुनाई देता है उनकी टूटी हुई हंसी में एक वर्जन लड़की को ना पा सकने का स्पष्ट दुख। कनॉट प्लेस, दृश्य दो, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। वह डी ब्लॉक के खुरदुरे फर्श पर नाचने की लगभग तैयारी में थी, कैमरे के एंगल को सही करती खुद में थोड़ा जादू भरती हुई वह अपने पति के गालों पर एक चुंबन देती है, थोड़ा सिकुड़कर ब्रा में मस्क की खुशबू बखेरती है, चुंबन अपना काम करता है और पति उसी एंगल से उसकी तस्वीर उतारता है, पिज्जा पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में भुनी पनीर और सोया चंक्स जीभ पर घुल जाते हैं। नॉट प्लीज, दृश्य तीन, कबीर सिंह बनाम पालतू की बहस। वे एक गोल घेरा बनाकर बहस कर रहे थे, नॉट प्लीज का वह कोना पूरी तरह से आरक्षित था, सरकार की कोई कारस्तानी नहीं थी इसमें, बहस थी कबीर सिंह पर। फिल्म का विरोध कर रही नौजवान मंडली एक उजाड़ सत्य से भरी थी, लेकिन शनिवार रात का जागा लड़का अब पूरे होश में था,
बहस किसी मुद्दे पर तर्क से परास्त हो जाती है, विरोधी मंडली चून की गर्म शाम में झुलसती हुई अपने चश्मे, जूते और तख्तियों पर एक नज़र डालती है। दिल्ली बारिश से त्रस्त है अभी तक, यह सोचकर कबीर सिंह को बख्श दिया जाता है। बहस पर वर्तहल इस देश की तोहमत लगाने वाला शनिवार की अधूरी नींद को पूरा करने के लिए एक बार में घुसता है। रात को सेम सेक्स के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से डॉटेड कंडोम के बारे में पूछता है। भाड़ में जाए कबीर सिंह कहते हुए मंडली की सबसे उग्र लड़की देखते ही देखते बिस्लेरी संस्कृति को अपने गले से उतार लेती है। क्नॉट प्लेस, दृश्य चार, शुक्ला पानवाला। क्नॉट प्लेस के कुछ कोने धुएं का अखाड़ा लगते हैं कभी कभी। घुटनों और जांघों से फटी आसमानी पेंसिल डेनिम जीन पहने सिगरेट सुलगाते हुए लड़की अपनी सबसे हसीन अदा में नहा रही है। सिगरेट के छल्लों में कितनी खुशनुमा काल्पनिक मौसम दिख रही है वो। साथ खड़ा लड़का किसी सहानुभूति का पक्षधर नहीं। वह आने वाले दिनों में कोई चोट दे सकता है लड़की को, या यह मेरा पूर्वग्रह भी हो सकता है। लड़की साथ खड़े लड़के से कहती है, मुझे नहीं लगता आपसे डर। और शुक्ला पान वाला सीने में गर्व की पुकार भरकर पान में आग जलाता है और कठोरता से ठूस देता है जलता हुआ पान लड़की के मुंह में। क्नॉट प्लेस, दृश्य पांच, बेलकोस में रोमियो जूलियट और अंधेरा। दृश्य में विदेशी शराब का सन्नाटा था। नाक पर गंदगी मछलियां उधम कर रही थी। उन गोल घूमती सीढ़ियों पर से शराब के सन्नाटे को लांघना था। कॉरपोरेट संसार के लोगों की पतलूने और स्त्री से सीधी जमी कमीजें शोर की कैंचियों से एक दूसरे की जबानी काट रही थी। रोशनी और अंधेरा, अंधेरा और कुत्ते का बच्चा कॉरपोरेट संसार की सुंदर लड़की की बगल में ही थे। लड़की कार्ड स्वाइप कर बिल चुकाती है सबका। यह उसके ब्रेकअप का जश्न था। वाइन का एक ग्लास टूटता है, सारे माहौल में बेलगाम ठहाका नीले कालीन पर फैल जाता है। क्नॉट प्लेस, दृश्य छः, पैर। पैरों के अपने भय थे, वे कपट को छुपाते हुए चल रहे थे। कभी ये आत्मघृणा में लज्जित हो रहे थे, तो कभी उदात्तता में कबूतरों के छड़े हुए पंख बनकर जमीन से थोड़ा ऊंचा उठकर चल रहे थे। एल ब्लॉक के एक कोने में कुछ नौजवान सुरों को धोखा देते हुए गिटार पर गा रहे थे साडा हक एथेरक। यह एक सार्वजनिक बौनापन था या ऊंचाई, इसी का सामंजस्य वे अपनी चीख में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। कई जोड़ी पैर एक शब्द अपराध में घुटनों के बल झुक कर संकुचा रहे थे। क्नॉट प्लेस शाम तक किसी अधूरे वाक्य में बदलने लगा था। क्नॉट प्लेस, दृश्य सात, सेल्फी और उदास हुई। वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बीच में कोई भी एक नज़र उठाकर आसमान की ओर देख लेता था। यह एक चुप्पी थी और इस चुप्पी की जड़ें उनके जाहिर किए गए अच्छेपन में थी। सेल्फी लेने वाली लड़कियों का झुंड छोटी पोशाकों में था। उनकी गुलाबी रंगे होठ और शाम के 5 बजे का साधारण समय एक विरोधाभासपन उनके बीच से चुपचाप निकल गया। फूल किसी उदासी में अपना शिल्प खो रहे थे। कौन ही विलय करता है धवल सिंगार की स्मृति अपने गुप्त नक्षत्रों में। फूल वाला ये कविता लिख रहा था। समय हो तो एक और सुनो। हमने आहिस्ता से भूलने की आदत को अपने कमरे में जन्म दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। उसी
वर्ष हमने रोना भी शुरू किया कि रोना एक भाग्य सूचक दिन का था जिसकी आश्वस्ति थी हमें रोते हुए कई अगले वर्षों तक साथ ले जाने की। उसी कमरे में एक किताब थी जिसमें हमारे परिवार के रहस्य अंकों की भाषा में लिखे हुए थे। हमारे बीच में एक अलमारी थी, अलमारी जो ओल्गा की कहानी की अलमारी से मिलती थी। एक पर्दा था खिड़की पर, गला भर आने पर वह इतना चुप तैरता था हवा में कि कभी लगता था उसके हाथ निकल आएंगे अचानक। हमने सुना था उन्हीं दिनों जादू के बारे में, यह भी कि काली बिल्लियां रास्ता काटे तो लाल रुमाल रखना होगा रास्ते पर। फिर एक दिन हम एक दूसरे की हथेली पर अपना जीवन दिखते हुए सो गए। नींद से जागे तो हमने उन आँखों को ईमानदारी से उतार कर मेजों पर रख दिया जिनमें कुछ लोग चले आए थे, जिनसे हुए समझौते हमें याद नहीं रखने थे। ओल्गा एक प्रसिद्ध लेखिका है, ये उनकी कहानी में से अलमारी निकली है। बहुत सुंदर कविता चित्र, कनॉट प्लेस में बैठ कर कनॉट प्लेस को इस तरह से कविता में देखना। अगला नाम जो मैं बुलाने जा रही हूँ, मैं पहले बता दूँ कि इस कार्यक्रम में हमने कोई वरिष्ठता क्रम नहीं रखा था, फिर भी वरिष्ठ तो वरिष्ठ ही होते हैं। तो एक्चुअली इन लोगों ने कला और कविता को इस तरह से अपने जीवन में उतार लिया है कि इनका काम ही इनका परिचय हो जाता है। विनोद भारद्वाज से आप सब परिचित हैं, गद्य में, कविता में, कला समीक्षक के रूप में वो एक जाना माना नाम है। उपन्यासकार, अपनी बहुत ही बिंदास विषयों और बोल लिखने के लिए विनोद जी अक्सर कहते हैं कि मैं अब कविता लिखना छोड़ रहा हूँ, लेकिन कविता ऐसी प्रेमिका है जो उनको छोड़ती नहीं, उन्हें पीछे पीछे उनके हर जगह चली आती है। अभी विनोद जी घूमने गए थे विदेश के ट्रिप पर, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ एक सुंदर कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी। बहुत लंबी कविता है तो बस एक पैराग्राफ। और मुझे अचानक पहाड़ तो नहीं स्वामी की चिड़ियाँ दिख गई, जो मुझे पीली कनेरी की तरह दिखी, जिसे मैंने अंत बार उदास और थोड़ा पास होकर कहा, लव यू हमेशा। विनोद भारद्वाज जी। एक कवि परसों प्रजातंत्र एक अखबार है इंदौर और भोपाल का, उन्होंने मेरी कविता की स्वीकृति मांगी मोनानुसार, लेकिन छापी मेरी एक पुरानी कविता जो कि मैं लगभग भूल गया था, पर वो कविता पे काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई हैं और आज के संदर्भ में भी लोग कह रहे हैं रेलिवेंट है। मैं आपको ये बता दूँ, ये कविता मेरे पहले कविता संग्रह में छपी थी 1980 में, और उन दिनों एक समय ऐसा था जब मुरारजी देसाई, चरण सिंह, ये सब लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार थे, तो ये कविता वहां से पैदा हुई थी, पर आज इसके संदर्भ बदल गए। छोटी सी कविता है, फैसला। एक बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर निगाहों से सूखी पत्तियों के ढेर में माचिस की एक तीली खोज रहा है जिसमें उसके दांतों की मैल है। एक उससे भी बूढ़ा आदमी चमकदार शीशे के सामने खड़ा अपने गैलिस कस रहा है। एक बूढ़ा आदमी और है, बिस्तर पर पड़ा है, किसी भी वक्त पे उछल कर न्यायाधीश की कुर्सी पर चढ़ सकता है, कांपती आवाज में अपना फैसला सुनाने के लिए। अब ये जो दूसरी कविता है जो जिसको पहले स्वीकृति मांगी थी, ये कोविड के शुरू की कविता है, जब मैंने एक तस्वीर देखी अपने मित्र की फेसबुक में, उसमें पहली बार मैंने देखा कि वो जो मास्क था ब्लैक मास्क, तो मुझे कुछ मोनालिसा की पेंटिंग की याद आई लूवर वाली। तो ये कविता दो स्वरों पर चलती है, शीर्षक है मोनालिसा 2020। स्त्री का रहस्य उसके बालों में है, उसकी आंखों में या उसकी मुस्कान में,
ये मेरी समस्या नहीं है। सारे मर्दवादी कवियों को मैंने कब से विदा दे रखी है लियोनार्डो। इस मास्क ने जरूर मेरी मुस्कान मुझसे छीन ली है। मैंने भीड़ कहीं बेरहमी से छिपा दी, मेरी भीड़ कहीं बेरहमी से छिपा दी गई है। बरसों पहले लोगों पर पाबंदी नहीं थी, वे मेरे पास आ सकते थे, मुझसे बातें कर लेते थे। कुछ उनके गुप्त रहस्य मैं जान लेती थी, कुछ औरतें मेरी सहेलियां बन जाती थी। एक दिन उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया गया, एक मजबूत रस्सी का घेरा बना दिया गया। ये लक्ष्मण रेखा मेरे लिए नहीं थी, मेरे चाहने वालों के लिए थी। तुम्हें क्या सचमुच लगता है लियोनार्डो कि मुझे एक आराम की जरूरत थी या एक गहरे अकेलेपन की? कमबख्तों ने मुझे भी एक खूबसूरत मास्क पहना दिया है। क्या उन्हें डर है कि ये महामारी मेरी रहस्यमय मुस्कान मुझसे छीन लेगी? नहीं, डरो नहीं, मेरे पास आओ। मुझे छोड़ोगे तो खतरे की घंटियां बज जाएंगी, पर मेरे बहुत करीब आ जाओ। आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, लूब्र के इस भयावह एकांत में। क्योंकि मैंने जब पहली बार देखी थी मोना लिसा 80 में, तो उसके कोई भी भीड़ को रोकने की जगह नहीं थी, आप पास से देख सकते थे। अब जो आखिरी बार देखी थी तो उसमें आपको काफी दूर से ही देख सकते थे और वहां पर घेरा था। तो ये कई तरह के इसके संदर्भ हैं। आखिरी कविता जिसका अंश इन्होंने अभी सुनाया एक छोटा सा, लेकिन मैं उसे पूरी सुनाना चाहता हूँ। जो वियतनाम में मैं अभी था, तो वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जो कि हालोंग बे कहते हैं उसे। वहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं समुद्र के बीच में, 2000 करीब पहाड़ हैं। उन पहाड़ों में से निकलते हुए मुझे स्वामी के पेंटिंग के पहाड़ याद आए। एक जमाने में उनकी पेंटिंग के पहाड़ बड़े चिड़िया और पहाड़, और साथ में मुझे एक याद आई अपनी एक जटिल प्रेम की। तो मैंने उन दोनों को एक कविता में, जहाज चल रहा था, मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और मैं इसको मेट्रो उसमें अपने क्या कहते हैं मोबाइल में लिखे जा रहा था। और मैंने जब उसको फेसबुक में दिया तो मैंने देखा कि काफ़ी रिस्पॉन्स हुई, तो मुझे खुशी भी हुई कि कविता लोग मतलब उसका एक काफ़ी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इसका नाम है खोज। उसने कहा, मैं जानती थी इस समुद्र खंड में 2000 पहाड़ हैं। तुम उस भूल भलैया से कभी निकल नहीं पाओगे। मैं सोचता रहा उस अजीब सपने के बारे में। तुम्हें तो कहती थी सुबह के सपने सच निकलते हैं। मुझे सुबह सपना आया था जहां बहुत दूर जहाज से हम कहीं जा रहे हैं, वहां एक खोया हुआ पहाड़ चित्रकार स्वामीनाथन का भी है, उसे मैं शाम से ढूंढ रहा हूँ। स्वामी दिसंबर सुबह की खूब ठंड में एक पुरानी शाल में लिपटे, सर पर एक टोपी लगाए अपनी बीड़ी सुलगा रहे थे। वे कुछ कहना चाह रहे थे शायद। बंद करो कला बाजार की बक बक, मैंने अपने पहाड़ और उसकी नन्ही सी चिड़िया को पहचान लिया, उसे बेरहमी से कैद न करो। और हमारा जहाज लगातार रहस्यमय पहाड़ों के बीच चक्कर लगा रहा था। तुम उदास थी, तुमने कहा मैं उदास नहीं हूँ, पर सारे रिश्तों की बक बक झक झक मुझे उदास कर रही है। और मुझे अचानक पहाड़ तो नहीं स्वामी की चिड़िया दिख गई, जो मुझे पीली कनेरी की तरह दिखी, जिसे मैंने अंतिम बार उदास और थोड़ा पास होकर कहा, लव यू हमेशा। हालांकि ये चाह रही थी कि वरिष्ठ समापन न कराया जाए, लेकिन मुझे लगा कि प्रयाग जी की कारण लोग बैठे रहेंगे वरना फिर भाग न जाएंगे। तो रश्मि, इनकी जो दूसरा कविता संग्रह है काफ़ी चर्चित और पुरस्कृत रहा है, उसका शीर्षक ही अपने आप में बताता है, मेरी माँ। मैंने अपनी माँ को जन्म दिया।
और ये इनकी कविताओं में मतलब इमोशंस भी है, पैशन भी है, और एक तरह की आज की जो एक फेमिनिस्ट निगाह से चीज़ों को देखना, और बड़ी कंट्रोवर्शियल कई पॉइंट्स हैं इनकी। योनी पर एक सीरीज़ है जिसको लेकर काफ़ी हल्ला भी हुआ था, इन पर काफ़ी लोगों ने हमले भी किए थे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इनकी शायद नई कविताएँ पढ़ेंगे आज। तुमने उसे कितना देखा है, वह जो चित्र उकेरा गया है उसमें मौजूद औरत से मेरा चेहरा भर मिलता है। किसी को उतना ही देख सकना जो आंखें दिखाती हैं, कान संसार भर की आवाजें बटोर लाते हैं। इन्हें इंद्रियों की असमर्थता मत कहो, तुम्हें बंद आंखों से देखना नहीं आता था, बिना सुने सोच सकने का अभ्यास नहीं था। दृश्य ध्वनि शब्द के परे जो उपस्थित है, तुमने उसे कितना देखा है, या फिर बंद कर दी है खिड़कियां उकताहट से। मेरे पास आकर तुमने मुझे क्या देखा, मैं हमेशा तुम्हारे बनाए गए दृश्य के बाहर ही छूट गई थी। कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगी बिना शीर्षक के। दाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी तो पता चला वह भी दिल की तरह धड़कता है। हमने प्रेम की जगह हृदय लिख दिया और मान बैठे कि वही टूटता है, जबकि हृदय और आत्मा के साथ छूट जाता है शरीर का हर अंग भी, आंखें, होंठ, वक्ष, ग्रीवा, माथा, यहाँ तक कि पैर के अंगूठे की भी अपनी स्मृतियाँ होती हैं। अगली कविता, जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं सलीके से धरो। चीज़ों के लिए हमने यह कई बार सुना, जबकि इसे याद रखना था सिर्फ अपना हृदय कहीं भी रखते हुए। अगली कविता है, मैं उन जगहों के बारे में सोचती हूँ जिनके नाम मैंने प्लेटफॉर्म के अंधेरे में टटोल कर पढ़े। कभी किसी से पूछ कर जाना, वे एक लंबी यात्रा के पड़ाव थे, अपनी तमाम उपेक्षा के बाद भी अपेक्षित। मैंने वहाँ अपनी उमड़ती प्रतीक्षा को गर्म चाय के कुल्हड़ से जगाया, वहाँ का नमक खाया और ताज़ा दम होकर गाड़ी चलने का इंतज़ार किया। फिर मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनके लिए मैं ऐसी ही कोई जगह बनी थी। एक कविता है, क्षमा प्रार्थना। मैं उन सभी अनुरक्त हृदयों से क्षमा मांगती हूँ जिन्हें प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकी। मैं उन गुजरे हुए वर्षों की भी गुनाहगार हूँ जिन्हें प्रेम से वंचित कर मैंने मलिन रखा। मैं उन किशोर प्रेमियों से भी क्षमा चाहूंगी सार्वजनिक स्थानों पर जिन्हें प्रेम करते देखकर मुझे नैतिकता की चिंता हुई। मुझे उन सभी प्रेमी युगलों की भी क्षमा चाहिए जिन्हें प्रेम के बदले मैंने उनका दायित्व याद दिलाया। मुझे उन सभी विद्यार्थियों से भी क्षमा मांग लेनी चाहिए अपनी कक्षाओं में जिन्हें एकाग्र नहीं पाकर मैंने निष्कासन का दंड दिया। उन्होंने बदले में मेरे विरुद्ध कुछ नहीं किया, बस यही दुआ मांगी, मेरा हृदय प्रेम से कभी रिक्त नहीं हो। उन्होंने मुझे प्रेम करते रहने का श्राप दिया। एक अंतिम और थोड़ी लंबी कविता, मिलने को तो मैं। मिलने को तो मैं दूसरे तल के दो कमरों वाले घर में भी मिल जाऊंगी, जहाँ बीती बारिश सीली स्मृतियों के साथ सीलन ने भी अपनी जगह बना ली है। दूसरी गली में रहने वाली एक कुतिया को किसी ने जहर दे दिया है। मैं उसमें अक्सर अपना अक्स पाती थी, अपनी जनना की रक्षा के लिए अकारण ही शंकित, खतरे को सूंघ कर सड़क पर खदेड़ती हुई एक अकेली कटखनी औरत। अवशेष मेरे बिखरे हुए हैं उस शहर की गलियों में भी, जो प्रमाण पत्र में मेरे जन्म स्थान की तरह दर्ज है। मेरे होने का लेकिन कभी जहाँ बहुत उल्लास नहीं रहा, पहला हृदय भंग उसी ने किया। मिल सकती हूँ मैं उन तमाम जगहों पे जहाँ घूमते टहलते दृश्य में मैं कहीं छूट गई होंगी, जहाँ का कुछ अंश मैं भी चुरा लाई थी। हम दोनों ही जानते थे यह अवकाश में मन बदलने भर को लगाया गया मोह है। शेष शायद बचा हूँ मेरा उन लोगों में भी जिन्हें मैंने अपना हृदय दिया था। भेंट में दिया गया सामान अक्सर मामूली हो जाता है, किश्तों में वापस आता गया।
लौटता हुआ कुछ भी हालांकि पूरा नहीं लौटता है। अभी इस रिहाइश के नगर में मैंने पाने से अधिक खोया है, चीजों जगहों लोगों को नहीं, सिर्फ खुद को। यहाँ मेरी तलाश व्यर्थ है। मेरी खोज में जुटे कुछ पुरातत्वविद, जिन्हें व्यक्ति का इतिहास खोदना भाता है, जग कही जग सुनी में मुझे करते रहे हैं। यदि कोई मेरे लिखे से मुझे नहीं जान सके तो संसार के किसी अन्य पते पे मुझे खोज पाना असंभव है। अगली जो हमारे कवि हैं, कार्यक्रम समापन की ओर है, कविता के पर्याय कला के पर्याय प्रयाग शुक्ल जी, उनके अंदर जब आप उनसे बातें करेंगे तो आपको उनके अंदर एक सहजता, एक निश्चलता मिलेगी, एक सादगी जो एक कवि की सादगी है, उसकी ईमानदारी, और वही उनकी कविताओं में, उनके कला में हमें मिलती है। बिल्कुल शिशु लगता है कि कोई शिशुवत आपसे, एक मनुष्य आपसे बात कर रहा है, उसका पारदर्शी हृदय आपको दिखता है। प्रेम पर कविताएं, प्रकृति पर कविताएं, जीवन के स्पंदन से धड़कती हुई कविताएं। प्रयाग जी कहते हैं, अधूरी चीजें तमाम दिखती हैं किसी भी मोड़ पर, करवटों में मिली लगी तो नहीं, करवटों में मेरी अधूरी नींद में, हाथ जब लिखने लगता है कुछ, जब उतर आती है रात। प्रयाग जी बच्चों पर भी बहुत प्यारी कविताएं लिखते हैं, उनके चित्रों की प्रदर्शनी आप सब देख चुके होंगे। प्रयाग शुक्ल जी, मैं बहुत आदर से आपको इस मंच पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। समय तो अभी काफी है हम लोगों के पास। जी जी, आज के 8 बजे के हिसाब से पूरा समय आपका, मैं उतना समय नहीं लूंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं माइक लूं भूजेगा कि वैसे ही बोलूं। थोड़ा पास रख, नहीं दो दो थोड़ा बस दूर रख। अब ठीक है। दरअसल ये भी बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक सुंदर दृश्य मेरे लिए एक महानगर का नहीं हो सकता। कि हम कवि कलाकार, कुछ कला प्रेमी एक जगह इकट्ठा हैं और दीवारों पर चित्र सब कुछ के, तो कभी कभी ये लगता है जीवन जो बिताया है दिल्ली में और इस गैलरी में तो बहुत ज़्यादा, कि जैसे हम इसी किसी शाम की प्रतीक्षा में शेष जीवन बिताते हैं। अरे वाह, बहुत ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि अब आप तो सब ने मेरे प्रिय हैं, प्रिय कवियों ने कविताएँ पढ़ी हैं, यहाँ के प्रायः सभी श्रोताओं दर्शकों को मैं जानता हूँ चेहरे से, प्रायः सभी को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कविताएँ पढ़ूँगा जाहिर है, और 10 मिनट और नवाकाश की कविता आज सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कविता पाठ में पहली बार आए। यहाँ गुरु जी याद कर चुके हैं कि इस गैलरी में कविता पाठ की परंपरा स्वामी ने शुरू की थी, और वो मैंने उदय को आज लिखा और सुनैना को, कितना सुंदर है कि वो परंपरा जारी है और गैलरी में बराबर कविता पाठ होता है। कविता पाठ से पहले कुछ ऐसा मैं तय नहीं कर पाता कि मैं क्या पढ़ूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई पन्ना खुल जाए, लुगड़ी से शुरू कर दूँ किसी किताब का, या माइक अच्छी याद दिलाया लोग ने हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, बहुत अच्छा। तो एक कविता पढ़ता हूँ, सपना। सपने में रात आई, रात में नींद उखड़ी हुई, एक भूला हुआ मकान दिखा, गांव की एक गली, फिर आ गई बसे भीड़ भरी, न जाने किस इमारत की टूटी सीढ़ियों पर बैठी मिली तुम उदास, दिन डूबे जा रहे थे पानी में, फिर बदला दृश्य, सूखी घास थी दोनों ओर एक पगडंडी के, खराब हो गई थी कपड़ों की इस्त्री, टीवी का साबुन,
का विज्ञापन बदरंग कर रहा था धुलाई, वह रुलाई जैसी नहीं पर आ रही थी। मैंने हड़बड़ा कर पुकारा दोस्तों को जो चढ़ रहे थे हड़बड़ा कर बस में, कोहरे में चली जा रही थी बस, मैं भी था सवार आई जान में जान। ये कविता तो अभी 9 अक्टूबर को लिखी, आज 11 परसों है। कविता आप जानते हो कि प्रतीक्षा कराती है, बाकी तो मैं लिख लेता हूँ, मुझे पत्रकार भी रहा हूँ, विनोद जी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए साथ, कहानियाँ भी कभी कभी आपने शुरू कर दी तो चलती रहती है, पर कविता के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कविता और कला के बीच में ये संबंध मैं देखता हूँ, क्योंकि आप देखो तो संगीत में एक तरह की रिहर्सल रहती है, रियाज रहता है कि हम क्या गाएंगे बजाएंगे, थोड़ा सा उसका अंदाजा होता है, हालांकि मंच पर जाकर संगीतकार बदल जा सकता है। नृत्य के साथ भी यही है, केवल कविता और कला में ही बावजूद अभ्यास के ये पता नहीं होता कि वो कौन सा क्षण होगा, जिसकी बात अभी बरूटा इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह कर रहे थे कि वो अर्ज कब आएगी, कब आप लिखोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बहरहाल तो ये कभी कभी हम लोग प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कविता आए तो उसको लिखी जाए, ना आए तो कोई बात नहीं। मैं भी मानता हूँ कि मैं जोशना की कविता पढ़ूँ और लोगों की कविताएँ पढ़ूँ, तो मैं इनसे आज कह रहा था कि अब मुझे चिंता नहीं होती, पहले से अधिक ये लगने लगा है कि ये तो बहुत सुंदर बात है, आप नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते तो आप भी कवि हो जाते हो, और ये तो अनुभव और गहराता जा रहा है। बहरहाल पेड़ जो खिड़की से दिखते हैं, पेड़ जो खिड़की से दिखते हैं कुछ न कुछ लिखते हैं, वर्षा की बूंदें स्पर्श हवा के, वत्सल नयन युवती माँ के, जबकि उनमें झांके कुछ न कुछ लिखते हैं, रहते हैं आके कुछ न कुछ, पढ़ लो जब चाहे उनमें जो लिखा, या जो कुछ मन का उनके साथ तुम्हें अभी अभी दिखा, पेड़ जो दिखते हैं कुछ न कुछ लिखते हैं, दो आंखें प्रेम की कुशल क्षेम की, रहते छिपाए जो अक्षर पत्तियों में, लिखते हैं झूलती पंक्तियों में लिखते हैं। एक कविता है इशारे, कितना पहले की है, न जाने किसके इशारे हैं तारे दिख गए अभी, और चांद वह भी तो भेजता ही रहता है इशारे, जिसको तुम चाहते रहे उसके, अब भी चाहते हो उस जिसको, या जो कहीं दूर है चांद जैसी जगह के पास, न जाने किसके इशारे हैं तारे दिख जाते जब तक ले आते बहुत पास, कोई याद कोई छवि कोई इशारे चांद तारे। छूट गई डाल कहती हुई मानो, नहीं और मत तोड़ो, फूल बहुत हैं जितने हैं हाथ में, छोड़ो और मत तोड़ो।
की अंतिम कविता पढ़ता हूँ, आज की शाम की आखिरी कविता। वैसे तो उम्मीद यही है कि ऐसी बहुत सी शामें होंगी, और जैसा कि मैं कह रहा था कि ऐसी किसी शाम के लिए हम प्रतीक्षारत रहते हैं, बाकी जीवन जीते रहते हैं, तो वो शाम भी जरूर आएगी। कुछ और युवा कवियों को सुनेंगे, कुछ अपने साथियों को सुनेंगे। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ विनोद, आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हम लोग अपनी कविताएं तो पढ़ते हैं, हम में से सभी प्राय अनुवाद करते हैं, तो कभी कोई अगली कविता की शाम हो तो हम अपने अपने अनुवाद पढ़ें, किसी भी भाषा से, बंगला से, अंग्रेजी से, विश्व कविता से, भारतीय कविता से, तो शायद एक अलग तरह की शाम हो। कथाएं चाहने भर से पूरी नहीं होती इच्छाएं, खरीद लेने भर से काम नहीं आती दवाएं, मन के जल के अभाव में मुरझा जाती हैं कल्पनाएं, बिसर जाती हैं कितनी ही संध्याएं, खो गई हो जाती हैं आधी तूफान में समुद्री नौकाएं, बनती मिटती रहती हैं दिन भर छायाएं, अच्छा लगता है जब चलती हैं मंद हवाएं, हो जाती हैं कितनी ही कायाएं, राहत बस इतनी सी खत नहीं होती है कथाएं। धन्यवाद देना कुछ तो, ठीक है कार्यक्रम का खाने पीने का कार्यक्रम भी बाहर जाए। आखिरी है और संग्रह मैंने अपना 10 साल से नहीं बनाया, पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा नहीं होती, लगता है कि ठीक है कविताएँ सुन ली जाती हैं, पढ़ ली जाती हैं कहीं फेसबुक में, कहीं पत्रिकाओं में, लेकिन ये है कि अगर मैं संग्रह में बनाऊँगा तो इसी कविता के का शीर्षक, उसका नाम होगा सुबह के कबूतर। उतर आते छज्जों बरामदों में किसी आलमारी पर करते चहलकदमी, किसी मुंडेर पर तार पर उनकी गुटरगू हो जाती शुरू, हमारी नींद को नींद को अधनींद को खटखटाती उतर आती वह गुटरगू, कैसी बतकहिए कही अनकहिए करती मानो भर भर उनकी भरभराहट में, और सरसराहट वह उनकी किसी चीज से हल्के टकराने की, कभी कभी बर्तन कोई पल्ला कोई कांच का हड़का जाने, हमें भी जाती है भरभराहट सर पर भर सरसराहट वह, कभी झुंझलाहट बन कभी रुके हुए कुछ को चलाने की, नींद की दुनिया को पार कर भेद कर परते झुटपुटे की, कभी कोहरे की आते चुभते दाने पीने पानी, या यूं ही टहलने को पंख फड़फड़ाने का सुख ही उठाने को, अनायास हमें भी सुख कोई वैसा ही गुपचुप भर जाने को, कबूतर सुबह। उसमें मैं थोड़ा सुधार करूंगा, क्योंकि जो किताब मेरी फॉरेन विजिट्स के अलग अलग टाइम पर डायरीज अलग अलग टाइम पर है, ये अभिषेक कश्यप का आइडिया था कि वो जो मेरी कई चीज़ें दिनमान में 79-80 में छपी थी, मैं जब जर्मनी गया या लंदन गया तो उनको इन्होंने देखा और कहा कि किताब बनाई जाए, तो वो किताब बना दी है, इसलिए कि वो सब बिखरी हुई चीज़ों को हमने इकट्ठा कर दिया। जैसे मेरी रोम की डायरी थी 93 में, मैं वहाँ एक महीना से भी ज़्यादा रहा था, तो वेनिस रोम फ्लोरेंस की डायरी वो एक अलग चीज़ थी जो लगभग किताबों में आई नहीं कभी,
तो इन्होंने जब कहा तो हमने उसको किया, पर आज हम उस किताब को उस पर और बात नहीं करेंगे, क्योंकि रश्मि भारद्वाज एक केक बना के लाई हैं जो बनवा के, जो कि किताब उसी किताब का कवर है, और वो मैं भी चकित रह गया अभी जब देखा, तो उसको काटा जाएगा क्योंकि यहाँ तीन लोग बैठे हैं जिनके जन्मदिन पिछले 5 दिनों में हुए हैं, एक उदय जैन, एक मैं और एक ये खुद अभिषेक कश्यप, तो 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, तो इसलिए एक तरह का ये केक सबका सेलिब्रेशन भी मान लीजिए। और उससे पहले विमोचन की हमारी परंपरा रही है ना कि बुजुर्गों को बुलाकर किताब पकड़ाना, वो आज नहीं होगी, आज सिर्फ ये तीन कवियत्रियां होंगी, और वो तीन कवियत्रियां जो हमारी आज कविता पढ़ेंगी। क्लास का राउंड ही लगाना होता है या देख लिया,